हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गोल अचीवर्स। कैसे हैं आप सब? आई एम शालिनी गोयल और आज हम करेंगे सीबीएसई क्लास 7 का चैप्टर 3, फाइबर टू फैब्रिक। इसमें मैंने ये चैप्टर 2 पार्ट्स में बनाया है। आज हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। आज हम इसमें वूल के बारे में समझेंगे, कैसे हमें वूल मिलती है, और सेकेंड वीडियो में सिल्क के बारे में समझेंगे। तो आज हम वूल के बारे में पढ़ेंगे। Quote of the day: If you really want to do something, you will find a way. If you don't, you will find an excuse. अगर हम सच में कोई चीज़ करना चाहते हैं, अगर आप सच में कोई चीज़ करना चाहते हैं, तो आप कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। लेकिन अगर आप कोई चीज़ नहीं करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ एक्सक्यूज़ ढूंढेंगे। तो इसीलिए हम हर चीज़ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। तो इसीलिए बस एक वे ढूंढिए कि ये चीज़ पॉसिबल है, हम इसे कर सकते हैं। चलिए अब चैप्टर समझते हैं। इन योर प्रीवियस क्लास यू हैव लर्नड अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। यू ऑल्सो लर्नड दैट वुड, वुल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। वुल, शेप और याक से, याक के फ्लीज हेयर से मिलती है, एंड सिल्क फाइबर सिल्क मोथ के कोकून से मिलती है। तो क्या आपने सोचा कि शीप की बॉडी के कौन से पार्ट से हमें फाइबर मिलती है, और कैसे इन फाइबर्स को वुल एंड यार्न में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि हम मार्केट से खरीदते हैं स्वेटर्स बनाने के लिए? क्या आप जानते हैं कि कैसे सिल्क फाइबर से सिल्क बनती है, जो साड़ीज में भी वुवन की जाती है? तो इस चैप्टर में हम इन्हीं सब क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो प्रीवियस क्लास में आप प्लांट फाइबर के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम इस क्लास में एनिमल फाइबर के बारे में डिस्कस करेंगे। दो तरीके के एनिमल फाइबर्स हैं, वुल एंड सिल्क। वुल, वुल हमें किन किन से मिलती है? अल्पाका, शीप, गॉट, कैमल, याक एट्सेट्रा, ये सारे एनिमल्स हमें वुल देते हैं। ये सब वुल यील्डिंग एनिमल्स हैं, इनके बॉडी पर हेयर होते हैं। डू यू नो व्हाई दीज एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर? क्या आप जानते हैं कि इन एनिमल्स के बॉडी पर इतना थिक कोट हेयर का क्यों होता है? क्योंकि हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर। हेयर जो है बहुत सारी एयर को ट्रैप करके रखते हैं, और एयर क्या है? पुअर कंडक्टर है हीट का। सो हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म। इसीलिए हेयर जो है इनकी बॉडी पर होते हैं, वो इन एनिमल्स को वार्म रखते हैं। वुल इज ड्राइव्ड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स, और इन हेयरी फाइबर्स से ही हमें वुल मिलती है। The hairy skin of the sheep has two types of fibers that form its fleece. Hairy skin sheep की दो तरीके के fibers होते हैं इनके, जिनसे fleece मिलती है। आप feel कीजिए अपनी body के hair को, arms के और those on your head. Do you find any difference? Which one seems coarse and which one is soft? इसी तरह इनके भी द कोर्स बियर्ड हेयर और फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, दो तरीके के इनके भी फ्लीस होते हैं। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वुल। जो फाइन हेयर होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, वो वुल बनाने के लिए यूज की जाती है फाइबर। Some breeds of sheep possess only fine under hair. और कुछ sheeps की breed हैं जो fine under hair ही provide करती हैं। इनके parents specially choose किए जाते हैं to give birth to sheep which have only soft under hair. ये process जिनसे select किए जाते हैं इनके parents for obtaining special character in their offspring such as soft under hair in sheep, इसी को कहा जाता है सिलेक्टिव ब्रीडिंग। एनिमल्स
दैट ही वुल। हमारी कंट्री में डिफरेंट पार्ट्स में शीप्स की कई ब्रीड्स पाई जाती हैं, जैसे कि याक, याक वूल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। अंगोरा वूल विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गॉड्स फाउंड इन हिली रीजन्स जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर। वुल गॉट हेयर से भी ऑब्टेन होती है हमें वुल। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गॉट इज सॉफ्ट, जिससे पश्मीरा शॉल शॉल बनाए जाते हैं। कैमल्स फर और हेयर कैमल्स के भी वुल में यूज किए जाते हैं। एंड लियामा एंड अल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका, जिनसे भी हमें वुल मिलती है। तो ये कुछ ब्रीड्स दी हुई हैं शीप की, जिनसे हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वुल मिलती है। फाइबर्स टू वुल। फॉर ऑब्टेनिंग वुल शीप आर रियर्ड। वुल ऑब्टेन करने के लिए शीप्स को रियर्ड किया जाता है। देयर हेयर इज कट, उनके हेयर को कट किया जाता है और प्रोसेस किया जाता है वुल बनाने के लिए। लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। अगर आपने कभी ट्रेवल किया होगा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के प्लेन्स में, तो यू कैन सी शेफर्ड्स टेकिंग देयर हर्ड्स ऑफ शीप फॉर ग्रेजिंग। वो लोग शेफर्ड्स जो हैं शीप की पूरी हर्ड्स को लेके जाते हैं ग्रेजिंग के लिए। शीप्स आर हर्बीवोरस एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव्स, ग्रास और लीव्स ही प्रेफर करती हैं। रेयरर ऑल्सो फीड देम अ मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, ज्वार एटसेट्रा, इन सब चीज़ों का मिक्सचर भी वो देते हैं। विंटर में शीप्स को इंडोर रखा जाता है एंड दे फेड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फॉडर। तो ये सब दिए हुए हैं, ये लीव्स, ये मिक्सचर दिया हुआ है पल्सेस, ज्वार, कॉर्न एटसेट्रा का, और ये ड्राई फॉडर है। सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप। कुछ इंडियन ब्रीड्स दी हुई हैं शीप की। हमारी कंट्री में शीप्स रियर की जाती हैं वुल के लिए, जिनमें से कुछ ब्रीड्स इसमें दी हुई हैं। जब थिक ग्रोथ हेयर की होती है तो इनकी बॉडी पर आ जाती है, तो फिर हेयर को शेव ऑफ किया जाता है, जिससे कि हमें वुल मिलती है। तो कुछ ब्रीड्स दी हुई हैं लोही, गुड क्वालिटी वुल है इसकी, और ये फाउंड होती है मेनली स्टेट में, वो है राजस्थान एंड पंजाब। रामपुर बुशियर, ब्राउन फ्लीस मिलती है इससे हमें, और ये उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। नाली, ये इसकी क्वालिटी है कारपेट वुल में, इसकी जो वुल है कारपेट वुल में यूज की जाती है, और ये कहाँ फाउंड होती है, राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब। भाकर वुल, इसकी यूज की जाती है वुल फॉर वुलन शॉल्स, और जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है ये। मारवाड़ी, कोर्स वुल यानी कि हार्ड वुल मिलती है इससे, और ये गुजरात में फाउंड होती है। पातनवड़ी, हौजरी के क्लॉथ्स आपने देखे होंगे, तो हौजरी के क्लॉथ्स में यूज की जाती है इसकी वुल, और ये भी गुजरात में फाउंड होती है। तो ये कुछ ब्रीड्स दी हुई हैं। प्रोसेसिंग फाइबर्स इंटू वुल। द वुल विच इज यूज फॉर निटिंग स्वेटर्स और फॉर वीविंग शॉल्स इज द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस। लॉन्ग प्रोसेस, बहुत लॉन्ग प्रोसेस किया जाता है इसके लिए, जिसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं।
वुल जो है हमारी स्वेटर्स की निटिंग के लिए और शॉल्स की वीविंग के लिए यूज़ की जाती है, वो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग की वुल चाहिए होती है, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, कुछ प्रोसेसिंग की जाती है, देखते हैं। स्टेप वन में फ्लीस जो होती है शीप की, उसको स्किन की थिन लेयर के साथ रिमूव किया जाता है उसकी बॉडी से, जिसको कहा जाता है शियरिंग। मशीन्स वही होती हैं जो बार्बर यूज़ करते हैं हेयर को शेव ऑफ करने के लिए, वही मशीन्स यूज़ की जाती हैं, उसी टाइप की हैं। और इनके जो हेयर हैं उनको रिमूव किया जाता है मेनली हॉट वेदर में, जिससे कि इनको अपने हेयर के कोट की प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरत नहीं होती है और ये इजीली सर्वाइव कर जाती हैं। और इन हेयर से हमें मिलती है वुलन फाइबर्स, फिर वुलन फाइबर्स को प्रोसेस किया जाता है और वुलन यार्न उनसे मिलता है हमें। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शेप, जस्ट एज इट डजंट हर्ट वेन यू गेट अ हेयर कट और योर फादर शेव्स हिज बियर्ड। हम कभी भी हेयर कटिंग कराते हैं तो क्या हमें हर्ट होता है? नहीं। हमारे फादर शेव ऑफ करते हैं तो उनको भी हर्ट नहीं होता। डू यू नो वाई? बिकॉज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड, क्योंकि अपर मोस्ट स्किन जो होती है, लेयर होती है स्किन की, वो डेड होती है। ऑल्सो द हेयर ऑफ शीप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज, तो हमारे भी हेयर कट जाते हैं तो अगेन ग्रो हो जाते हैं, ऐसे ही शीप्स के भी अगेन ग्रो हो जाते हैं, उनकी हेयर जब कटते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं होता। सेकेंड स्टेप, द शेयर्ड स्किन विद हेयर इज थ्रूली वॉश्ड इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीस डर्ट एंड डस्ट। फिर जो शेयर्ड की हमने स्किन हेयर के साथ, उसको टैंक्स में वॉश किया जाता है जिससे ग्रीस डस्ट और डर्ट रिमूव हो सके, इसको कहा जाता है स्करिंग। और आजकल स्करिंग मशीन्स के द्वारा की जाती है। फिर स्करिंग के बाद सॉर्टिंग की जाती है। सॉर्टिंग में क्या होता है कि हेयरी स्किन जो होती है उसको फैक्ट्रीज में भेजा जाता है, जहाँ इनके हेयर के डिफरेंट टेक्सचर्स होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है अलग अलग और सॉर्ट किया जाता है। स्टेप फोर, स्मॉल फ्लफी फाइबर्स जिनको बर कहा जाता है उनको पिक आउट किया जाता है हेयर से। दीज आर द सेम बर्स वैन विच समटाइम्स अपीयर ऑन योर स्वेटर्स। हमने देखा है कि कभी कभी हमारे स्वेटर्स में भी हल्का सा स्टेप सी धागा सा निकल आता है, तो इसको ही बर कहा जाता है। फिर क्या होता है कि इन फाइबर्स को फिर से स्कर किया जाता है, ड्राई किया जाता है और तब जाके वुल रेडी होती है फाइबर्स में कन्वर्ट करने के लिए। स्टेप फाइव, द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स। इन फाइबर्स को हम कई तरीके के कलर्स में भी डाई कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरल फ्लीस जो होता है शेप और गॉड का, वो सिर्फ थ्री कलर्स में होता है, ब्लैक, ब्राउन एंड वाइट, तो इसलिए हम डाई करके उनको डिफरेंट कलर्स में लुक देते हैं। स्टेप सिक्स, फिर इन फाइबर्स को स्ट्रेटन किया जाता है, कॉम्ब किया जाता है और रोल किया जाता है यार्न में। लॉन्गर फाइबर्स जो होती हैं उनको तो स्वेटर्स के लिए वुल यूज़ की जाती है, उसके लिए रखा जाता है, और जो शॉर्टर फाइबर्स रह जाती हैं उनको स्पन और वुवन किया जाता है, जो कि वुलन क्लॉथ में काम आती है। ऑक्यूपेशनल हजार्ड, वुल इंडस्ट्री इज़ एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मैनी पीपल इन आर कंट्री। हमारी कंट्री में कई लोग उनका लाइवलीहुड है, सर्वाइव कर रहे हैं वुल इंडस्ट्रीज से ही। लेकिन सॉर्टर्स जॉब इज रिस्की एज समटाइम्स दे गेट अफेक्टेड बाय अ बैक्टीरियम एंथ्रेक्स। सॉर्टिंग की जाती है तो उसमें क्या होता है कि
वो इफेक्ट हो जाते हैं एक बैक्टीरियम से जिसको कहा जाता है एंथ्रेक्स, जिसका नाम है एंथ्रेक्स। तो उससे क्या है कि फैटल ब्लड डिजीज हो जाती है उन लोगों को, जिसको सॉर्टर्स डिजीज भी कहा जाता है। जैसे कि ये फोटो दिए हुए हैं तो ये इसी डिजीज के हैं, तो इस टाइप की उनको डिजीज हो जाती है सॉर्टिंग जॉब में। तो ये ऑक्यूपेशनल हजार्ड है। अ कॉटन गारमेंट कैन नॉट कीप अस एज वार्म इन विंटर एज अ वुलन स्वेटर डज। कॉटन गारमेंट हमें गर्म महसूस नहीं होता, इवन ठंडा ही महसूस होता है। दे कैन नॉट कीप अस एज वार्म इन विंटर, हमें विंटर में वार्म नहीं रख सकते वो, जैसे कि वुलन स्वेटर्स हमें रखते हैं। Do you know why? क्योंकि कॉटन क्लोथ आर थिन एंड डू नॉट हैव स्पेसेस इन देयर फैब्रिक्स थ्रू विच एयर कैन बी ट्रैप्ड टू कीप अस वार्म। कॉटन क्लोथ थिन होते हैं और उनमें स्पेसेस नहीं होता है फैब्रिक्स में, जिसके जरिए एयर ट्रैप की जा सके और हम उसमें गर्म महसूस कर सके। सो कॉटन क्लोथ डू नॉट प्रिवेंट हीट कमिंग आउट ऑफ आर बॉडी। तो इसीलिए कॉटन क्लोथ प्रिवेंट नहीं करते हीट को कमिंग आउट ऑफ आर बॉडी, जबकि वुलन इसको बैरियर का काम करते हैं, क्रिएट अ बैरियर टू दिस एंड अलाउ द बॉडी हीट टू स्टे इन क्लोजर टू द स्किन। और वो हमारी बॉडी की हीट को बिल्कुल अंदर ही रखते हैं, जिससे हमारी स्किन के वो क्लोजर हो जाती है और हमें गर्म महसूस होता है। टुडेज होमवर्क, ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। हमने वुल के बारे में समझा कि कैसे हमें वुल मिलती है शीप से गॉट्स से। तो आज आपके 3 क्वेश्चंस हैं जिनके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट्स ऑफ अ शीप हैव वुल। सेकंड क्वेश्चन इज The fleece of the sheep along with a thin layer of skin is removed from its body. This process is called dash. Third question is the under fur of Kashmiri goat is soft. It is woven into fine shawls called dash. इन तीनों के आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं और बताइएगा आपको चैप्टर कैसा लगा। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।